हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसके कि छिपकलियाँ घर में कभी नज़र नहीं आएंगी। तो आप लोग भी इस नुस्खे को आजमा सकते हो। तो उसके लिए मैंने क्या लिया है, एक कद्दूकस ले लिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है छिपकली को भगाने का। तो मैं दो तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक तरीका और भी था तो वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और आपको अच्छी लगेगी तो मैं एक नुस्खा और है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसमें वो ऐड नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे लिया है प्याज। प्याज बड़ा साइज का था तो मैंने आधा ही प्याज लिया है क्योंकि मैं इसको सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ जो डोर और विंडो है सिर्फ वहीं पे इसको यूज करूँगी जहाँ से कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ छिपकलियाँ आती हैं। तो चलिए मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ इस पर फटाफट करके। तो गर्मियों में, बरसात में बहुत सारी छिपकलियाँ आ जाती हैं और हमारे घर में भी आती हैं, और इससे कि बहुत डर भी लगता है और इनको देख के ना सच में बहुत घिन सी आती है। और अगर किचन में आ गई, गलती से कुछ खाने पीने की चीज़ें खुला है, इन्होंने जूठी कर ली या किसी खाने पीने की चीज़ में गिर गई, तो छिपकली बहुत जहरीली होती है, बहुत डर लगता है। कभी कुछ सामान, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें खुला छूट गई, अक्सर घर में छिपकलियाँ रहती हैं और दिखाई नहीं देती है, कोनों में रहती हैं। तो इसको अच्छी तरह से छिड़क लेंगे कोने कोने में जहाँ से कि लगता है कि छिपकलियाँ आती हैं। तो मैंने तीन मोटी मोटी कली जो है लहसुन की डाल ली। बारीक है तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। लहसुन की जो महक होती है ये बहुत तेज़ होती है दोस्तों, और प्याज की हम लोगों को तो इतनी लगती तेज़ नहीं लगती, लेकिन जो छिपकली होती है इसे प्याज और लहसुन की महक बहुत तेज़ लगती है, इसलिए वो अगर इसकी खुशबू अगर इसको आएगी तो काफ़ी दिनों तक, हफ्ते 10 दिन तक ये नुस्खा आजमाने के बाद वो घर में कहीं दिखेंगी नहीं। तो मैंने दोनों कद्दूकस कर लिया है और मैंने थोड़ा सा पानी लिया है कटोरी में, ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं रखनी नहीं तो इसकी खुशबू नहीं आएगी। हल्का सा थोड़ा सा पानी ले लिया है मैंने और इसमें इस सबको ऐड कर लिया है। थोड़ा सा लिया था पानी, कुछ पानी तो प्याज से ही निकल जाता है कद्दूकस करके, आप चाहें तो पानी नहीं भी डाल सकते हैं, अगर प्याज ज़्यादा यूज करेंगे तो पानी नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रखा है, तो इसको मैं छान लूँगी। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और आप चाहो तो प्याज को काट के मोटे मोटे टुकड़ों में किसी सुई धागे से और दरवाजे अपने विंडो पे टांग सकते हो, ताकि अगर इसमें ज़्यादा टाइम लगे तो उसमें टाइम नहीं लगता है, बस मोटे मोटे टुकड़ों में बाहर के जो छिलके होते हैं प्याज के उसको धागे से जैसे माला टाइप का बना लेना है और उसको अपने विंडो पे कहीं पे भी टांग लो, किसी कील पे जहाँ लगे कि छिपकली यहाँ से आती है। तो मेरे पास ये बोतल थी, ये सैनिटाइज़र की बोतल है, कोई भी स्प्रे बोतल होगी आपके पास तो उसके अंदर भर देना है और इसको घर के कोने कोने में छिड़कना है, ज़्यादातर से विंडो और दरवाजों के बाहर से, अंदर से जहाँ से कि छिपकलियाँ घर में आती है। तो मैं इसको इसमें डाल दिया है और अब मैं भी अपने विंडो पे और दरवाज़ों पे छिड़क लेती हूँ। तो ये देखिए पूरे में मैं डाल देती हूँ और इतनी सी भी जगह अगर विंडो के पास कहीं पे थोड़ी सी भी जगह है तो जो बारीक वाली छिपकलियाँ होती है वो आ ही जाती है घर के अंदर। तो ये देखिए इसी तरह से मैं पूरे घर में कोने कोने में, बेड के नीचे, हर जगह इसको डाल लेती हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ों में अगर छिपकली गिर गई या छिपकली ने जूठा कर लिया तो भी बहुत डर लगता है, और मुझे तो इनको देख के बहुत डर भी लगता है। आप लोग बताइए, आप लोगों में से किस किस को छिपकली को देख के डर लगता है? तो चलिए अब मैं दूसरा तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैंने इस कटोरी में लिया है गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी है। तो इसमें देखो मैं क्या ऐड करने वाली हूँ, फिर मैंने वही बोतल मेरी खाली हो गई है वही मैंने ले ली है, थोड़ा सा बच गया था मैंने उसको दूसरी बोतल में डाल दिया है, इसको मैं एक दो दिन बाद फिर डाल दूँगी कोने कोने में। तो ये देखिए मेरी बेटी भी यहाँ पर है, वो भी मस्ती कर रही थी, तो उसमें मैंने एक बड़ी चम्मच भर के डाल दिया है नमक, और वो मेरे साथ ऐसे ही लगी रहती है जहाँ पे मैं वीडियो बनाती हूँ आ जाती है। तो नमक डालने के बाद इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो बहुत ही अच्छी है वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, वो है डेटॉल। तो ये डेटॉल का जो ढक्कन है उसी से मैं एक ढक्कन भर के इसमें डाल दूँगी। डेटॉल ये वाली
जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है और ये सच में बहुत ही प्याज वाले से भी सबसे ज़्यादा असरदार है ये। तो ये देखिए इसमें मैंने डेटॉल ऐड कर लिया है, बस कुछ नहीं करना है, इसको मिक्स कर देना है और इसको उसी स्प्रे बोतल में डाल देना है और उसमें डालते ही इसको छिड़क लेना है कोने कोने में। और इसको चाहो तो सुबह जब पोछा लगाते हैं तो पोछा वाले पानी में भी थोड़ा डाल दो, क्योंकि कभी कभी छिपकली जो है ना दीवार पे नहीं होती है, घर के नीचे के हिस्सों में होती है, फर्श में, दरवाजे के कोने में, बेड के नीचे कुछ सामान रखा है ना कोनों में आ जाती है। तो इसको पोछा भी लगा सकते हैं अच्छी तरह से कोने कोने में। इसकी जो खुशबू है बहुत तेज़ होती है जो कि छिपकली को पसंद नहीं है, इससे छिपकली क्या बारीक बारीक जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी नहीं आएंगे, जैसे चींटी वगैरह या कॉकरोच वगैरह। तो इसको मैं इसी बोतल में डाल के फिर से इसको उसी तरह से छिड़क लूँगी। अभी मैं थोड़ा सा छिड़कूँगी क्योंकि मैंने पहले जो प्याज वाला है तो वो मैंने अच्छी तरह से डाल रखा है, बस इसको मैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए डालूँगी। बस इसको मैं रख दूँगी इसी बोतल में, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी हफ्ते बाद या 10 दिन बाद फिर मैं इसको यूज करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा वीडियो में दिखाने के लिए इसको छिड़कूँगी कि मैं इस तरह से इसको डालना है। तो चलिए अंदर तो मैंने डाल दिया था, अब मैं बाहर के हिस्से में आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि घर के बाहर से भी छिपकलियाँ होती हैं तो हम उनको नहीं भगाते, ज़्यादा ध्यान हम घर के अंदर ही देते हैं। तो इस विंडो में डालने के बाद मैं चलती हूँ बाहर बालकनी की तरफ, या जो मेन डोर होता है उस पर बाहर की तरफ से इसको अच्छी तरह से डाल देंगे। सच में ये बहुत ही ज़्यादा असरदार है पहले वाले से भी, और इसकी महक बहुत दूर दूर तक आ रही है जो कि हमें इतनी नहीं लगती, लेकिन छिपकली जैसी चीज़ों को ना मतलब बहुत ही ख़राब लगती है छिपकली, कभी घर में दिखेगी नहीं और बहुत दिनों तक ये असर भी करेगा। तो इस विंडो पे मैंने अंदर से डाल दिया है, अब इसके बाद दिखाती हूँ मैं बाहर जाके। और इसको डालते ही देखो छिपकली कैसे निकली और कैसे भागी, जब तक मैं इसको स्प्रे से थोड़ा सा छिड़का वैसे ही छिपकली आ गई। तो ये देखो ये बाहर बालकनी की तरफ का दरवाज़ा है, इस पर मैंने अच्छी तरह से छील लिया है क्योंकि यहाँ पीछे बालकनी से भी ज़्यादातर से छिपकली यहीं से आती है, यहाँ हमारा सामान रखा रहता है, यहाँ पे सूज रैक है, इस पे मैं डालूँगी। ये देखिए खिड़की पे मैंने चारों तरफ से बाहर से डाल दिया, अब ये सूज रैक है यहाँ पे, इसके अंदर पुराने नए जूते चप्पल हैं तो यहाँ भी कई बार छिपकली दिखती है, अगर सूज रैक बाहर रहता है ना तो इस पे भी छिपकली आ जाती है, जूतों के अंदर घिस जाती है और बच्चों को डर लगता है सुबह। तो ये देखो मैं यहाँ डाल रही हूँ और जैसे मैंने यहाँ एक स्प्रे डाला हो यहाँ से एक छिपकली निकली, अभी आगे देखिए वीडियो में डालते ही थोड़ा सा छिड़का मैंने, तो वैसे ये देखिए छिड़कते ही भाग गई। देखिए दोस्तों थोड़ा सा डाला था मैंने, कहीं जूतों के अंदर रही होगी तो उससे ये निकल गई और भाग गई। तो इसी तरह से काफ़ी दिन तक नज़र नहीं आएंगी, फिर मैं दोबारा से इसे यूज करूँगी। तो ये देखिए सूज रैक से निकली है, पता नहीं किसकी सूज के अंदर थी, बच्चों को क्या, मुझे भी बहुत डर लगता है जब सुबह जूते पहनते हैं स्कूल जाते समय।